करते रहना और गोल आते रहना, अरे बिना के आते रहना ही कितना ही गोल आने वाले जो भी परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है उसमें आपको देखने को मिलता है कि जो सिलेबस आता है वो आउट ऑफ पैटर्न जो है एचएससी के अंदर आता है। एचएससी का कोई भी पैटर्न जो है डिसाइडेड नहीं है, जिसके अंदर परीक्षा ली जाती है वो या तो बीएससी का मैथ या एमएससी का, जो भी प्लस टू विद्यार्थी एलिजिबिलिटी जो योग्यता जो होती है वो प्लस टू बेस पर होती है। बाकी सभी चीज़ें ना तो प्लस टू बेस पर दी जाती है, मैथ बीएससी का एमसीए का कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें जो इसमें दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं कि एसएससी और रेलवे का जो कि एक फिक्स पैटर्न है, उस ऐसा एचएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो मैं जो एचएससी चेयरमैन भारत भूषण भारती हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि एचएससी का भी एक फिक्स पैटर्न जो है तैयार करवाया जाए, ताकि बच्चों को आने वाले भविष्य में जो भी परीक्षा जो बच्चे देंगे उसमें उनको कोई भी कठिनाई ना हो। जब भी पेपर देने जाते हैं तो यही देखने में आता है कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं है, कभी कहीं से सवाल उठा के दे दिए जाते हैं, कभी कहीं से, और कहीं से भी उठा के दो, लेकिन एक पैटर्न तो होना चाहिए। जैसे बीटेक एमटेक वगैरह पता नहीं कहाँ हाई लेवल के दिए जाते हैं। इनफैक्ट पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि टैक्सेशन का मैंने पेपर दिया था तो वहाँ पे कर्नाटक का पेपर उठा के दे दिया था, तो इससे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े। इसमें पढ़ने वाले बच्चे और ना पढ़ने वाले बच्चे सभी बराबर हो जाते हैं, जिनके तुक्के लग जाते हैं वो आ जाते हैं आगे, और जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपना मतलब एक फिक्स पैटर्न करे। मैं इस चीज़ में खट्टर जी की बड़ाई करती हूँ कि उन्होंने मतलब यहाँ हरियाणा में जो है पेपर लागू करवाया, जिससे कि जो बच्चे हैं काबिल बच्चे आगे आएँ। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत ये भी है कि एक पैटर्न फिक्स नहीं किया गया है एचएसएससी के द्वारा। तैयारी करें तो किस चीज़ की करें, और तैयारी करने वाला बच्चा और बिना तैयारी करने वाला बच्चा एक तरह से मतलब वो दोनों बराबर हो जाते हैं इसकी वजह से, कोई पैटर्न ना होने की वजह से। तो आज बच्चों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जिसमें इन्होंने साइन करके मुख्यमंत्री हरियाणा और उप मुख्यमंत्री हरियाणा को पत्र लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट करी है, अपील करी है कि कृपया करके इन विसंगतियों को दूर किया जाए, इसमें सुधार किया जाए। ये जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ये चाहते हैं कि इनको एक मेहनत करने के लिए इनको ईमानदारी से सरकार ने प्रयास किया है कि ईमानदारी से भर्तियां करें, तो ये भी चाहते हैं कि ये जो विसंगतियां इसके अंदर हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, कृपया इनको भी दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि इन बच्चों को अपनी मेहनत का सही रिजल्ट मिल सके।